अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही व बारिक वसल्लम वसल्ली अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनेद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर नाज़रीन आपको पुरनूर सुबह नूर के साथ मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ। आइए बिला तवक्कुफ चलें हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली अलैहि रहमा की तालीफ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इस्म मुबारक पढ़ने और सुनने की सआदत हासिल करते हैं। सैयदुना साकिल हौज़ सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, हमारे सरदार हौज़ कौसर के साकी, दुरूद सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के आले पाक पर और सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई तो अपने असहाब को जमा करके इरशाद फरमाया कि मैं बरोज़ क़यामत सबसे पहले हौज़ कौसर पर मौजूद हूँ और बेशक मैं तुम्हें अपनी इतरत के साथ नेकी की वसीयत करता हूँ और तुम्हारा ठिकाना हौज़े कौसर ही होगा। जनाब हमारे साथ आज आप ज़रूर जुड़े रहिए क्योंकि आज शहज़ादगाने सैयदुना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मैदान करबला में किरदार है उस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू तो क्या करेंगे साहब, बस अपने अपने इल्मी बिसात के मुताबिक हदिया पेश करेंगे कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन नाज़रीन अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने आप अलैहिस्सलाम को वो जानिसार और फिदाकार साथी अता फरमाए जो तीरों की बारिशों और तलवारों के वार को पहले अपने सीनों पर अपने बदन पर झेलते रहे मगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और ख़ानदान बनू हाशिम के एक एक जवान की हिफाजत करते रहे और अपने आप को यूँ कह लीजिए कि ढाल के तौर पर इमाम अली मकाम और उनके अहले बैत के आगे पेश करते रहे। बात यह नाज़रीन कि जब सारे ही रुफ़का शहादत का जाम नोश कर चुके तो अब ख़ानदान बनू हाशिम के चांद मैदान में उतरे, अब ख़ानदान अबू तालिब अलैहिस्सलाम के चराग मैदान में उतरे, अब जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के गुलशन के वो फूल करबला के तपते सहरा में उतरे जिनकी खुशबू कायनात को महकाती है और एक एक करके वो भी फिदाए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होते रहे और अब उन फूलों में भी नाज़रीन उन फूलों की बारी है जो जिगर गोशाए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। एक जुमला यहाँ पर अदा करना चाहता हूँ साहब, लीडरशिप वो नहीं है साहब जो अवाम को जो है वह आग के अंदर झोंक दें, लीडरशिप वो होती है जो सबसे पहले अपने आप को पेश करें, अपने घर वालों को पेश करें, उसके बाद वो आवाम से कुर्बानी मांगे। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बुनियादी तौर पे अहले बैत ने ये पैगाम रहती दुनिया तक दे दिया है कि अगर कुर्बानी की बात करनी है तो सबसे पहले अपने आप को सफ़े अव्वल में पेश करना होगा, उसके बाद आप आवाम से तकाजा कीजिए कि वह कुर्बानी पेश करें। बहरहाल नाज़रीन कलेजा चिरता है साहब, कलेजा चिरता है इस जिक्र को करते हुए कि क्या क़यामत खेज मंजर होगा कि निगाह इमाम अली मकाम में जब जालिम का जुल्म अपनी इंतहाओं को छू रहा होगा। जरा तसव्वुर तो कीजिए साहब कि इमाम के गुलाम यके बाद दीगरे जामे शहादत नोश करते चले जा रहे हैं, इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम शदीद तरीन बीमारी में मुब्तला शदीद तरीन बीमार हैं, चाहत शहादत की है मगर बाबा जान की तरफ से इजाजत नहीं है क्योंकि कुदरत ने आप अलैहिस्सलाम से नस्ले हुसैनी को आगे बढ़ाना है और आप ही ने करबला के बाद काफिला हुसैनी को संभाला, यानी जो बुनियादी तौर पर जो अलमबरदारी है वह आपके दस्ते मुबारक में आनी है। नाज़रीन फिर मैदान में वो उतरे जिनका चेहरा खूबसूरत तरीन और जिनकी सीरत इंतहाई हसीन तरीन और बेहतरीन है, जो गुफ्तार में किरदार में और चेहरे के अनवार में शबीए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम हैं, जिनको सरवरे दुजहां सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से शबात खल्की शबात खुल्की और शबात मंतकी तीनों हासिल थी, जिनकी आजान करबला के तपते सहरा पर हसीनों की हसीन आवाज़ यूँ कहिए साहब के हुसैनियों की आजान बन के उठी कि जिन के मैदान जंग में जाते वक्त इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखें अशकों से भर गई और इसी गम की हालत में आपने फरमाया कि खुदाया गवाह रहना कि आज एक ऐसा जवान मैदान जंग की तरफ जा रहा है जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत में और किरदार गुफ्तार में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मुशाबे है। हम जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की ज्यारत करना चाहते थे तो हम अली अकबर अलैहिस्सलाम के चेहरे की ज्यारत करते थे, यानी उनकी तरफ देखा करते थे। अब जरा नाज़रीन
इस मंजर को चश्मे तसव्वुर में लेकर आइए कि जिस मुबारक चेहरे की ज़ियारत करके इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना जान को याद किया करते थे और अपनी चश्मान मुबारक को ठंडा किया करते थे। और आज वो नाज़रीन वो चेहरा मुबारक खून आलूद होने जा रहा है, यानी उस वक्त इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ एक इमाम नहीं है, ये भी जहन में रखिएगा, बल्कि एक बाप भी हैं जो अपने दस्त मुबारक से अपने शहजादे अपने लख्त जिगर सैयदना अली अकबर अलैहिस्सलाम को ज़रा पहनाकर और मुकम्मल दुआओं के साथ मैदान करबला में इस तसव्वुर से शायद रुखसत कर रहे होंगे कि खुदाया कर कबूल इल्तिजा दरवेश करता है, अली अकबर का नजराना मुसाफिर पेश करता है, तेरी मर्जी क्या आ गया खुदा, ये सर भी हाजिर है, अली अकबर भी हाजिर है, अली असगर भी हाजिर है। फिर चश्मे फलक नाज़रीन वो मंजर देखा कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहजादे अली अकबर अलैहिस्सलाम ने ही सिर्फ शहादत का जाम नोश नहीं किया बल्कि काफिला हुसैनी की सबसे मासूम तरीन कुर्बानी यानी 6 महीने के अली असगर अलैहिस्सलाम की सूरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुजूर वो कुर्बानी पेश कर दी नाज़रीन कि ज़मीन व आसमान उस पर हैरान है कि नाना जान के दीन की हिफाजत के लिए नवासा रसूल ने शबी रसूल को भी कुर्बान किया और अपने 6 माह के शीर खार अली असगर अलैहिस्सलाम को भी पेश कर दिया कि कुरान का पारा हूं, डरूं तीर से कैसे, हुरमल से कहो, हुरमल से कहो कि सामने हैदर का पिसर है, असगर मुझे कहते हैं, मैं छोटा हूं वगरना देखो मेरे सीने में भी अकबर का जिगर है। बस नाज़रीन करबला हक़ बातिल की वो लकीर है जिसे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपने रुफका के खून से मुबारक खून से नहीं खींचा बल्कि बुनियादी तौर पर इस रंग को और ज्यादा मजबूत किया हाशमी जवानों के मुबारक नूरानी खून से और मजीद इसको मजबूत किया जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम और जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम के मुबारक खून से। आज बुनियादी तौर पर उन्हीं को खराज तहसीन। जनाब आगाज कीजिए पीर साहब, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है ये हम सब सुनने वाले सुनना चाहेंगे कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उनकी फ़ज़ाइल व कमालात से आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है वल्लज़ीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और ईमान वाले वो हैं जो हर एक से बढ़कर अपने रब से शदीद मोहब्बत करते हैं। हुज़ूर सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की और आपके रुफ़क़ा की, आपके साहबज़ादगान की, आपके जिगर पारों की मोहब्बत इलाही का मुज़ाहरा और मंज़र ऐसा है कि वो हमें 14 सदियों से आज तक हमें खून के आंसू रुला रहा है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े साहबजादे हैं। नाम मुबारक अली है, लक़ब ज़ैनुल आबिदीन है, और ये नाम मुबारक भी और लक़ब भी हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करदा है। आका अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बिशारत दी और फरमाया, जाबिर मेरा ये जो छोटा नवासा हुसैन है अल्लाह इसे एक बेटा अता फरमाएगा जिसका नाम तो अली होगा लेकिन वह इस कदर इबादत गुजार होगा कि लोग उसे ज़ैनुल आबिदीन कहकर पुकारेंगे। वालदा माजदा का ताल्लुक़ ईरान की शहजादी हैं फ़ारस की और बाप शहजादा कौनो मकान है। ये शान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई। आम तौर पर पूरी तारीख़ इंसानी का अगर हम मुशाहदा करें तो ये है कि ये शाही खून वाले जो लोग होते हैं नफीस मिजाज होते हैं और जिन हस्तियों का ताल्लुक फिर बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाए उनकी नफासत का तो कहना ही क्या होता है। सुभान उनकी शान, उनकी लताफत और उनकी जो नाजुक मिजाजी है उसकी तो बात ही नहीं की जा सकती। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ कि कैसे सारे के सारे इम्तिहान जो हैं सब्र रज़ा के वह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद आपने निभाए हैं, पूरे किए हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का मैदान करबला में बच जाना, आपने इंट्रो में एक छोटा सा इशारा दिया है, ये दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम से वो वादा था। सूरह कौसर का वादा जब कुरैश मक्का आसमान वाइल वगैरह कह रहे थे कि माज़ल्ला हुज़ूर अलैहिस्सलाम अबतर हो गए, नस्ल मुबारक ख़त्म हो गई, तो वो
अल्लाह ने अपने हबीब से वादा किया। अच्छा, यहाँ एक बड़ी ही खूबसूरत बात है, मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि बसा औक़ात जो ज़ाहिर में नज़र आ रहा है, मशीयत खुदा में कुछ और होता है। हम जाहिर को देख के बात कर देते हैं, लेकिन हिकमत परवरदिगार कुछ और होती है। और हिकमत परवरदिगार जो है वो हर एक पर मुनकशिफ चूँकि नहीं होती, वो उसके बंदों पर ही मुनकशिफ होती है, इसलिए हर कोई अपने अंदाजे के मुताबिक बात करता है। जाहिरन सही कह रहे थे कि उस वक़्त दो शहजादे थे, दोनों यके बाद दीगरे हाजिर हो गए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में, लेकिन मालिक ये कह रहा था कि तुम इसे देख रहे हो जो मेरी मशीयत है, उस तक तो तुम्हारी रसाई हो ही नहीं सकती। तो उस वक्त सूरह कौसर नाजल करके मालिक ने वादा किया, इन्ना अतैना कल कौसर, ए हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको अताए कसरत फरमाई, क्योंकि इससे मोजज़ात की कसरत भी 21-22 मानी मुराद लिए गए हैं अलकौसर के। लेकिन आखिरी आयत जो है वो चूंकि इसके शान नुज़ूल को वाज़े कर रही है, इन्ना शानिया का हुवल अबतर, आप अबतर नहीं हैं, आप मक्तून नस्ल नहीं हैं, ये जो आपको मक्तून नस्ल कह रहे हैं इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, आपकी आप अबतर भी हैं और बदतर, जबरदस्त बदतर भी हैं, आपकी नस्ल मुबारक हमेशा हमारी हिफाजत में रहेगी। तो अब ये देखें, एक शहजादे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ये बच्चे हैं, एक हजरत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के बच्चे हैं, हजरत हसन मुसन्ना, एक उधर से बेटा एक इधर से, दोनों से पूरी कायनात में आज तक 14 सदियां गुजर गईं, हसनी और हुसैनी सादात जो हैं वो मुबारक नूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आज तक मौजूद है, और वो नूर बेज शुआएं जो हैं वो बिखेर रहा है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, बच्चा, बच्चा नूर का, तू है अहने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इस कदर अजीम और नफीस शख्सियत के मालिक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम असबाब है दुनिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुबतलाए बुखार करके उनको मैदान जंग में जाने से रोका ताकि अपने हबीब से किए गए वादे को पाया तकमील तक। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत तमीज साहब। आइए जरा डॉक्टर साहब, अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जैसा कि वो ज़ाहिर बात हुई है, लेकिन बावजूद इसके जो मैंने इब्तिदा में एक जुमला अदा किया कि लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि लीडरशिप जो है वो सबसे पहले अपने आप को अपने घर वालों को पेश करती है, पूरे सफ़र करबला के अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने बाबा जान के साथ साथ मौजूद हैं, जिस कैफियत में भी हैं, जिस तकलीफ़ में, जिस कर्ब में, लेकिन आप मौजूद हैं। अच्छा, एक किरदार तो वो है आपकी मौजूदगी का, एक किरदार है बादस करबला, और वो किरदार इंतहाई कठिन तरीन किरदार है। यानी ये जुमला कह देना बहुत आसान है, लेकिन मैं अगर इसको थोड़ा सा और खोल के आपके सामने अर्ज़ करूँ ताकि आप उसको और मज़ीद खोल के बात फरमाएँ कि वो जो करबलाएँ वहाँ बपा, मतलब वो जो करबला बपा हो रही थी, एक्चुअली वो सिर्फ करबला नहीं थी, वो करबलाएँ बपा हो रही थी, और वो 72 करबलाएँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखों से, मतलब जो है ना, अपने सीने पर मुंतकिल होती हुई देखी हैं। बताइए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी खूबसूरत बातें की हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये आले पाक हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बुनियादी तौर पर हुज़ूर के फ़ुयूज़ात का जो जिस्मानी पहलू है उसके भी ये अमीन बन के आए, आपके इल्म के, आपकी रूहानियत के, आपके फ़ुयूज़ात के, तो और भी मंबे हो सकते हैं, लेकिन उस मंबे के साथ ये मंबा भी साथ होना कि ये जसद मुबारक भी उसी नूरानी तसलसल में खड़ा है, यकीनन ये बहुत बड़ा इम्तियाज है जिस खान वादे को हासिल है। यकीनन यही वजह थी कि ज़ाहिर बातिन के कामिल शऊर के साथ जो इस्तकामत, जो इस्तकलाल, जो वकार और जो गहराई और जो उस गम की कैफियत में जब्त की कैफियत जिसका मुजाहरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करके दिखाया, तारीख इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। यानी आप वाकिए करबला में मौजूद हैं, वाकिए करबला के बाद अंदाज़ा लगे मुर्रखी ने इनकी उम्र 23 साल लिखी है, ठीक है, 23 साल की उम्र का गभरू जवान नूरानी पैकर वो जिस इस्तकलाल के साथ वहाँ से गुजरा होगा जहाँ ये लाशें मौजूद होंगी,
उसकी क्या कैफियत होगी अल्लाह। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि मायूसी तारी हो जाए, आजा मुजमहिल हो जाए, दिमाग फारिग हो जाए। इस्तकामत है, गहराई है, वकार है, मकसदियत का गहरा एहसास है कि हम जिस मकसद के तहत ये सफर कर गए हैं अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ, इसने किसी नतीजे तक पहुंचना है। और हमारा ये वाकिया करबला वैसे नहीं बिताया गया, हमने सैयदुश्शोहदा का फैज, जो असल में पीर साहब खूबसूरत बात कर रहे थे, सिर्रु शहादतैन के हवाले से हमारे अहले सुन्नत के उलमा ने किताबें लिखी है। यानी ये शहादत बुनियादी तौर पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी शहादत थी, लेकिन शहादत के तौर पर आपके इन शहजादों को चुना गया अल्लाह, ताकि बुनियादी तौर पर शहीद तो ये होंगे लेकिन मंशा आपकी पूरी होगी। चूँकि आप भी कहते थे कि मुझे हर फजीलत बिलफेल हासिल हो, ताकि क़यामत वाले दिन जब शहदा अम्बिया आएँ तो वो कहेंगे जी हम तो बकायदा शहीद होकर आए हैं, तो हुजूर भी कहेंगे शहीद होकर मैं भी आया हूँ। ये एक अलग बात है, मेरे लिए मनसूबे इलाही ऐसे था, मेरा जिस्म बचाया गया लेकिन मेरे दिमाग को, मेरे दिल को और मेरे रूह को उस तकलीफ दे मरहले से पूरा गुजारा गया। तो ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिस तरह वो चल रहे हैं, लगता है ये बहुत गहरा मकसद है। उबैदुल्ला बिन ज़ियाद जब आपसे गुफ्तगू करता है और आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखता है कि ये कैसे बच गए हैं, तो उसने जब हाथ फैलाने की कोशिश की, फैसला दिया कि इनको भी शहीद करें, तो आपके इल्मी है जैसे हजरत ज़ैनबुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आगे बढ़ी, वो तो उनका किरदार था, लेकिन आपने जिस जुर्रत से जवाब दिया, तो आपने कहा जनाब शहादत हासिल करना हमारा शेवा है, इज्जत हासिल करना ये हमारा शेवा है। अल्लाह, आप ये कह रहे हैं कि मैं इस माहौल से डर जाऊंगा और मैं हक को छोड़ जाऊंगा, तो उबैदुल्ला बिन ज़ियाद आपका ये इत्मीनान देकर हैरान रह गया कि यार इतना वाकया बीतने के बाद इतने वकार से गुफ्तगू करना और आंखों में आंखें डाल के बात करना, तो ये इत्माम हुज्जत कर रहा था। ऐसे ही फिर आपके इल्म है कि जब यजीद के दरबार में भी गए, यजीद तो का जुल्मत कदा कहें, हाँ जुल्मत कदा कहें, दरबार तो बड़े लोगों का होता है, जुल्मत कदा कहें, जुल्मत कदा, हाँ। जब यजीद, ये हमारी किताबों में लफ्ज़ी गलत है, मैं आपको बताऊं, मैं बर्मला इख्तलाफ कर रहा हूँ इस बात से, कोई मुझसे सवाल कर ले, ये दरबार का वर्ड ही होना नहीं चाहिए, जुल्मत कदा होना, जुल्मत कदा, वो यजीद के जब जुल्मत कदा में गए तो यजीद ने शौरी कोशिश की कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन से अलग मीटिंग करके, शायद वो समझता था कि अभी उस मैच्योरिटी में नहीं है, कोई उनको पैसों का लालच भी दिया जा सकता है, अपने बात से वो क्लियर करता रहा कि मुझसे कोई हेल्प ले लें, मुझे कोई राज की बातें बता दें। तो आप हैरान हो गए, यजीद हैरान रह गया कि ये साहबजादा किसी जगह भी नो कम्प्रोमाइज पोजीशन में, वाह, इसके साथ कोई ऐसी बात नहीं की जा सकती। फिर जिस अंदाज से ये काफिला वहाँ से रवाना होता है, नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ेर क़यादत, और फिर ये जब मदीना में पहुँचते हैं, मदीना की जिंदगी आपने जिस तरह गुजार के दिखाई, जी 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 जी, ऐसे वाकयात गुजरने के बाद जी बाकायदा पढ़ाना जी, इबादत करना जी, ज़िक्र अज़कार में रहना जी जी, वो एक अलग बात है कि जब याद आती थी तो आंखें तो जरूर बहती थी, लेकिन ये हमें सबक देता है कि वाकिए करबला एक हकीकत है, ये रस्म नहीं जी जी, जिसका एक पैगाम है, इसको महज चंद खराफात में नहीं बांटा जा सकता। फिर आपने देखा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने बड़ी कोशिश की कि आपको अरेस्ट किया जाए, आपको तकलीफें पहुंचाई जाएं। आपको पता है कि ये विलायत उज़्मा के उस मकाम पर फैज हैं कि इनके लिए करामतें जाहिर करना तो मसला ही कोई नहीं होता, बात ही नहीं। लेकिन चूंकि तकदीर इलही में रजाए इलही के लिए आखिर कोई ऐसे इश्तियारे तो होने चाहिए, बिल्कुल सही, कि अल्लाह की रजा के टाइटल के तयन में वो तय हो। बात ये ना कि बेड़ियां ये लोग खुल गई, लेकिन मैं मशीयत इलाही की ताबे हूँ, मैं मशीयत इलाही की ताबे। फिर असल बात ये डॉक्टर साहब, जो बात आपने बड़ी खूबसूरत फरमाई कि पूरा करबला जो है, अगर मैं कहूं कि ये दो स्पोक्स पर्सन है, एक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इन दोनों हस्तियों ने बुनियादी तौर पे बताया कि यजीद का जुल्म जो है वो किस दर्जे का था। अब ज़रा आइए थोड़ा सैयदना अली अकबर अलैहिस्सलाम, शबीह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको
तमाम अहले बैत देखकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद फरमाया करते थे। अब ज़रा उनके फ़ज़ाइल व कमालात की बात कीजिए और क्या मैं तो हैरान हूँ कि वो ये जिगर से इमाम अली मकाम का है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानियाँ पेश कर दी साहब को, तो उसका कोई है ही नहीं। बताइए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादा अली अकबर के फ़ज़ाइल सुनते हुए ये बात जहन में रहनी चाहिए कि इतना खूबसूरत फूल अल्लाह की राह में पेश कर देना अल्लाह, और उस पर कोई भी शिकवा ज़बान पर ना आना, ये अगर किसी का मकाम है तो उसका नाम इमाम हुसैन है। वाह सुभान। हज़रत अली अकबर वो हस्ती हैं कि शख्सी फजीलत के जितने भी आप वास्ते देखते हैं या जाविये देखते हैं, वो तमाम जाविये हज़रत अली अकबर में नज़र आते हैं। अगर इनको जो है ना वो ददियाल की तरफ से देखा जाए तो इनके दादा हजूर हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा हैं, अल्लाह, जो बाब इल्म हैं, शहर इल्म का दरवाज़ा हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको अपना अखी भाई कहा है, ये फजीलत भी हज़रत अली अकबर को हासिल है, क्योंकि हर शख्स अपने दादा पे भी तो नाज करता है। ऐसा ही है, मेरा दादा फुलां है, हम कहते नहीं है, तो वो कैसे शहजादे हैं जो कहते होंगे कि मेरा दादा हैदर करार, अल्लाह मौलाए कायनात, मौलाए कायनात, अखी रसूल, और फिर बाबे मदीनतुल इल्म, अल्लाह अकबर, और फिर आपकी जो है वो दादी हुजूर, वो अल्लाह औरतों की सरदार, अल्लाह जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको कहें कि आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हूँ मेरी शहजादी, मतलब वो है कि जिनका पास अगर ना मिले तो हम जन्नत में जो है पास नहीं होंगे, जन्नत में जा ही नहीं सकते किबला जब तक उनकी निगाह करम नहीं होगी। बिल्कुल। और फिर इनके ननियाल की तरफ देखा जाए तो इनके नाना जो है वो उरवा बिन मसूर सखवी हैं, जो आपके परनाना है, उर्रा के वालिद हैं, उरवा बिन मसूर सखवी जो खतीब अरब हैं, और फिर एक बड़ी लुत्फ वाली शहीद भी हैं, और लुत्फ वाली बात यह है कि इनके नाना अजान देते हुए शहीद हुए और दादा नमाज पढ़ते हुए शहीद, अल्लाह अल्लाह, और खुद जो है वो मैदान करबला में शहीद हुए, यानी जिनके चारों जानिब शहादतें ही शहादतें नजर आती हैं। हजरत अली अकबर वो शहजादे हैं। आपका वकार इतना था कि आपके चचा हैं हजरत अब्बास, वो जब आपके साथ मदीने की गलियों में चला करते थे तो हजरत अली अकबर के पीछे चला करते थे, और किसी ने कहा कि आप सर झुका के अपने भतीजे के साथ चल रहे हैं, वजह क्या है? कहा मैं शबीह अली हूं, ये शबीह रसूल है, अल्लाह, मैं इनकी शबाहत की वजह से इनका एहतराम कर रहा हूं कि इनकी निगाहों में रसूलुल्लाह की निगाहें नजर आती, इनकी रुखसारों पर हुजूर के रुखसारों की झलक नजर आती, यानी कमर बनी हाशिम जो है अल्लाह शबीह कमर कायनात के पीछे चला करते थे, पीछे चला करते थे, इतना बड़ा एहतराम था। और इनकी फजीलतों के क्या कहने, इनकी फजीलत के लिए इतना कह देना काफी है कि ये इमाम हुसैन के लख्ते जिगर हैं, जिनको देख के हजरत इमाम आली मकाम की आंखें ठंडा हुआ करती थी, और जिनको जो है अपना सफीर बना के मुख्तलिफ जो है वो जगहों पर हजरत इमाम आली मकाम भेजा करते थे, यहां तक कि अमवी गवर्नर मदीने का जो था उसके पास भी अपना सफीर बना के जिनको भेजा वो हजरत अली अकबर शहजादे हैं। जब वहां गए तो उसने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो आपने फरमाया मेरा नाम अली है, और बाकी भाइयों का नाम क्या है, तो उनका नाम भी अली अली है। कहा ये क्या बात हुई, अली अली और अली, और आके ये बात जब कही हजरत इमाम अली मकाम को हजरत अली अकबर शहजादे ने, तो कहा कि अल्लाह के इज्जत की कसम है मेरे दसियों बेटे होते तो सबका नाम अली, अली होता, और मेरी दसियों बेटियां होती तो सबका नाम मैं फातिमा रखता। तो हजरत अली अकबर वो शहजादे हैं कि जिन्होंने ने अपनी जवानी 18 साल जवानी, जब अरमान अपने उरूज पर होते हैं, जब बंदा जिंदा रहना चाहता है, जब बंदा अपनी जिंदगी को जो है वो इंजॉय करना चाहता है, उस वक्त अपने वालिदे गिरामी कदर के साथ चले और अपने वालिदे गिरामी कदर की आंखों की ठंडक बने और अपने वालिदे गिरामी कदर को बता दिया कि अल्लाह ने मुझे शबीह रसूल बनाया है, तो हुजूर मेरा दिल भी अल्लाह ताला ने साफ बनाया है, जिस तरह जाहिरी तौर पर मेरे अंदर आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत नजर आती है, तो मेरे अखलाक में भी हुजूर आपको नजर आएंगे, और मेरी शुजात में भी आपको नाना हुजूर नजर आएंगे, और मेरी बहादुरी में भी हुजूर की जो है ना आपको झलक नजर आएगी। ये शहजादे हैं, और इनकी इस फजीलत और इस बरकत की खातिर अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों को बरकतों से मालामाल। शहजाद गाने सैदुना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो करबला में ज़ाहिर किरदार है,
उस पर हम गुफ्तगू तो क्या कर रहे हैं, बस हदाय पेश कर रहे हैं साहब। और अब चूँकि सैयदना अली अकबर अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक आया, बस ये तसव्वुर ही साहब यूँ समझ लीजिए कि कलेजे को चीर के रख देता है। आप यकीन मानिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ नाज़रीन, कि मैं जब गुफ्तगू उलमा फरमा रहे थे, हम तो ज़ाहिर तिफ्ल मकतब हैं, इनकी जूतियाँ सीधी करते हैं, लेकिन जब ये गुफ्तगू फरमा रहे थे तो वो रिपीटेडली एक जुमला जो शबी रसूल जब मतलब हो रहा था, बार बार समातों से टकरा रहा था। तो मैं ये सोच रहा था साहब कि ये जो दुनिया की तमा है, दुनिया की जो लालच है, दुनिया की जो हिर्स है, ये जो कुर्सी है, ताकत है, आज हम देखते हैं ना ज़ाहिर कि साहब कि दुनिया में लोग कुर्सी के लिए, ताकत के लिए, हुकूमत के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे होते और क्या कुछ नहीं हो रहा। ज़ाहिर है सारी दौड़ हुकूमत और कुर्सी की, तो इसके अलावा है क्या, इसके अलावा और क्या रह गया, क्या रह गया बताइए ना, नीचे से लेकर ऊपर तक ये हो रहा है। तो मैं ये सोचता हूँ साहब कि वो देखिए क्या तमा होगी और क्या लालच होगी और किस लेवल की लालच होगी कि सामने शबीए रसूल हैं, मतलब वो तमाम बातों को अगर एक तरफ रखिए, सिर्फ वो जो आँख देख रही है वो तो ज़ाहरी तौर पे शबीए रसूल को देख रही है ना, ज़ाहरी तौर पे देख रही है, कैसे साहब कैसे हाथ उठा होगा और कैसे जो है माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला हज़रत अकबर अलैहिस्सलाम पे जो है मतलब वो तलवार चलाई होगी। आप यकीन मानिए इस तसव्वुर से रुका। अब ज़रा ये बताइए, मैं ये जो मंज़र है ना साहब, डॉक्टर साहब, ये मंज़र आप यकीन मानिए, जब मैं यहाँ ये दिमाग में आता है ना, आप कलेजा पकता है, यानी मैं अगर मौज़िन करबला जब कहता हूँ तो वो फिर फजर की जो अज़ान है वो ऐसा लगता है जैसे समातों से टकरा रही है, मतलब वो ऐसा लगता है कि करबला के अंदर जो एक आवाज़ की गूंज शुरू हो गई है, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हो गई है। क्या किरदार, मतलब वो जब जिस वक्त ज़ाहिर है ये सुबह का वक्त हुआ, ये शब आशूर गुजर गई और जब फजर की अज़ान बुलंद हुई है हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की आवाज़ में, तो मौज़िन करबला का टाइटल रहती दुनिया तक आपके सर अक़दस के ऊपर जो है वो सज गया, तो ज़रा वो बताइए। फिर जो करबला के मैदान में आपका किरदार रहा, उस पर रिज़िया अशार जो आपने फरमाया वो बताइए, और फिर मतलब जो यानी हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम से पहले जो शहादत आखिरी है वो आपकी है, बताइए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का एक निज़ाम कुदरत है, उस निज़ाम कुदरत के कई रंग होते हैं और एक रंग यहाँ भी नज़र आ रहा है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाक़े करबला में जाने के बाद आपको मुअज़्ज़िन मुकर्रर करते हैं। ये इत्तेफाकात नहीं होते, इसके पीछे हुस्न तदबीर होता है और मकामात का इजहार मकसूद होता है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन मसूद से ख़ुद कुरान मजीद सुनते थे, वे इसके लब व लहजे में जिब्राइल की आवाज़ की झलक है। अगर मैं कह दूँ कि हज़रत इमाम हुसैन से इमाम हुसैन अली अकबर से अजान क्यों सुनते थे, क्योंकि उनके लब व लहजे में हजूर की आवाज़ शामिल है। तो गोया कि आज करबला को भी मालूम हो, ज़ाहरी तौर पर तो अजान के अल्फाज अली अकबर अदा कर रहा है, लेकिन आलम बाला में अजान रसूल हो रही है कि गौर से सुन लो ताकि सब लोगों पर इत्माम हुज्जत हो जाए, कोई अंधेरे में न रहे, कोई ये ना कहे हमें मालूम ना हो सका, हर जगह अपने इत्माम हुज्जत की, इत्माम हुज्जत भी मकसूद थी और हज़रत अली अकबर का वो लहजा करबला की ज़मीन को सुनाना भी मकसूद था कि आज रसूलुल्लाह की आवाज़ आप भी सुन लें। अल्लाह, ये मकाम था कि वो, इसीलिए आपका इंतखाब हुआ। फिर आपके इल्म में है कि जब आपको हज़रत इमाम हुसैन तैयार कर रहे हैं तो जाने के लिए, हमेशा याद रखें जब मकसद सामने होता है, एलाए कलमा हक सामने होता है, ठीक है मलाल की कैफियतें आती हैं, परेशानी ज़रूर आती है, लेकिन उसमें इस्तेकामत इतनी होती है, बहादुरी इतनी होती है, वरना इतने जम्मे गफीर के सामने ये सारे अरेस्ट भी हो सकते थे, अपने आप को सुपुर्द कर सकते, लेकिन सुपुर्द न करना, आखिर वक्त तक एक एक बंदे का और शहजादे का लड़कर जाम शहादत नोश करना, ये पैगाम देना था कि कंप्रोमाइज कभी बातिल के साथ नहीं हो सकती। थर्ड लास्ट शहादत थी आपकी, जी जा तो कंप्रोमाइज नहीं हो सकती, तो उसके लिए अली अकबर साहब अब ये चीज़ को साबित करने जा रहे हैं। आप हैरान होंगे, हज़रत इमाम हुसैन खुद पहनाते हैं लिबास, फिर ज़रा पहनाते हैं, हजूर का अमामा सर पर रखते हैं, हजूर की सवारी पर बिठाते हैं, अल्लाह, और सवार करने के बाद जब आपको भेजते हैं
आप हैरान होंगे, ठीक है आंखों में अश्क जरूर हैं, एक कैफियत जरूर है, लेकिन पाए इस्तेकलाल में इतनी इस्तेकामत, इतना वकार, इतनी जुर्रत और शुजात है कि जाते हुए उस माहौल में न कदम लड़खड़ा रहे हैं, न सवारी घबरा रही है, माहौल देख रहा है कि यार शुजात इसे भी कहते हैं। अब आज तो रंगे हैदरी और रंगे मुस्तफवी जो है, बल्कि यूं कहिए रंगे मुस्तफवी और मुर्तजवी जो है, हाँ, वो मिला हुआ है, उसका एक हसीन इम्तिजाज नजर आ रहा है। आप बादल जब जाते हैं तो आप बकायदा जाकर बुलाते हैं और लगता यह कि जिस तरह गज़वा खैबर के मौके पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने मद्दे मुकाबल को ललकारा, वही कैफियत यहाँ भी है। तो आप कहते हैं कोई है मेरा मुकाबला करने वाला, फिर आप बहुत खूबसूरत शेर पढ़ते हैं, अना अली इब्ने हुसैन इब्ने अली, मैं अली हूँ, हुसैन का बेटा हूँ, मेरा दादा अली है, नहनु अहलु बैतिन औलन नबी है, हम हजूर के घर वाले हैं, पहले रिश्तेदार हैं, अव्वलीन रिश्तेदार हजूर के हम हैं, हमारे साथ जिसने मुकाबला करना है सामने है, सामने चूंकि शबीह मुस्तफ़ा है तो सारे लोग इंतजार में खड़े हैं, परेशान हैं। अमर बिन साद बार बार कहते यार आगे बढ़ के हमला करो। बहरहाल जब बदबख्तगी का माहौल बनता है तो फिर आप पर हमला किया जाता है, आप बकायदा दादे शुजा देते हुए 120 बंदे को वासिले जहन्नम करने के बाद फिर आपको शिद्दत से प्यास लगती है। अच्छा, प्यास की शिद्दत में अपने अब्बाजान के पास आते हैं और आपके वालिद को आपका जो मुकालमा होता है कितना ईमान भरा है, आपको जबान भी चुसवाई जाती है। तो मैं लगता हूँ कि हजरत इमाम हुसैन जब आपको अपनी जबान चुसवा रहे थे तो उसमें सिर्फ हजरत इमाम हुसैन की अपनी जबान की तराबत नहीं थी, तराबत मुस्तफ़ा भी शामिल थी, क्योंकि हजूर को इल्म था कि मैं अपनी जबान इनको इसलिए चुसवाऊँ ताकि वहाँ जब प्यास रहे तो मेरा ये पानी वहाँ आए। तो फिर आपको पता है कि जब आखिरी लम्हात है तो आपने बेटे को तसल्ली दी और आखिर वक्त तक आप उसी जज्बे से लड़ते रहे, और फिर जब फाला आपकी गर्दन में आकर लगा और वो चीर कर चला गया जैसे आप ज़मीन पर है, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बड़े वक़ार के साथ इनकी हिम्मत के साथ अपने शहजादे को उठाया, इतने कवी वल जुस्सा, इतने हिम्मत वाला शहजादा कि जब वो चल रहे थे तो इनके पांव ज़मीन पर घिसट रहे थे। तो उसमें जो वाक्य बयान किया जाता है, इमाम हुसैन जब रवाना कर रहे थे तो आपकी दाढ़ी सारी स्याह थी, जब इनको उठाने आए तो आपकी दाढ़ी के सारे बाल सफ़ेद हो गए। अल्लाह, बहुत शुक्रिया आप तीनों अहबाब का, अब तशरीफ़ लाए, दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला कल बरोज़ महशर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहजादगान का सदका जिक्र करने वालों और सुनने वालों को अता फरमाए कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। आइए जनाब, आपको किताब शिफा की जानिब लिए चलते हैं, आप जमजम से इलाज आपको बतलाते हैं। फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सतह ज़मीन पर बेहतरीन पानी जमजम है जो भूख और प्यास बुझाने के काम आता है और हर बीमारी के लिए शिफा है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमला वजुल करीम का कौल मुबारक है कि जब तक इंसान सब्र के कड़वे घूंट न पिए तब तक वो अजर व सवाब का मीठा फल हासिल नहीं कर सकता। अली अकबर, अली असगर, नबी के नो के गुलशन अतहर के गुल ये प्यारे प्यारे हैं, खुदा के दीन पर हुए हैं दोनों कर्बला में।
भूखे और प्यासे खुल्दे आला को सुधारे हैं, और जिन्होंने यकीनन उनकी किस्मत में खसारे ही खसारे हैं। अली असगर समझते जानते कुदरत के ये भी सब इशारे हैं, और बचाई हुर्मत दी है अली अकबर ने जान देकर, बचाई सलाम उन पर हो साजिद जो बने मोहसिन हमारे हैं। अली अकबर अली असगर।